इश्क, प्यार और मोहब्बत ने तो सीरियल मेरे आशिकी तुमसे ही में मानो बैक सीट ही ले ली है। अब तो खेल चल रहा है सच्चाई को बाहर लाने का, रणवीर को बचाने का, रणवीर पर लगे इल्जाम हटाने का। तो ऐसे में क्या हुआ जनाब के साथ इस हफ्ते, क्या किया ईशानी ने अपने पति को बचाने के लिए इस हफ्ते, वाना नो? तो सुनिए मेरी आशिकी तुमसे ही की कहानी। अब तक मिलन ने ईशानी और रणवीर को इस हाल में छोड़ दिया है जहां वो एक तो है पर एक नहीं, जहां रणवीर ईशानी के करीब तो है लेकिन रणवीर रणवीर नहीं। उनके चेहरे पर वायरस फैला हुआ है, उनकी मोराल लो हो गई है, वो ईशानी से बात तक नहीं कर पा रहे हैं, खुद को आईने में नहीं देख पा रहे हैं, भागे फिर रहे हैं वो खुद ही से। लेकिन ईशानी के रहते रणवीर रोए और तड़पे, ऐसा हो नहीं सकता, ना ही हुआ। अपने रणवीर को मना लिया ईशानी ने लड़ने के लिए और हौसला ना छोड़ने के लिए वो खुद ले गई रणवीर को जेल और करवाया उन्हें सरेंडर, ताकि पुलिस ये ना सोचे कि उनके मन में डर है। ईशानी ने ली शिखर से मदद और लॉयर शिखर जुट गए ईश्वर की मदद करने में और ये प्रूफ इकट्ठा करने में कि मिलन रणवीर का जुड़वा भाई ही था। मेरी आशिकी तुमसे ही की वीकली अपडेट्स पाने के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ।